अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। ये पहली मकदार है, ये दूसरी मकदार है, ठीक है? तो इसकी आसान शक्ल में निस्बत मालूम करनी है, ठीक है? जब उन्होंने कहा हो ना आसान शक्ल में निस्बत मालूम करनी हो, तो फिर इसका मतलब है हमने काटना है। हमने क्या करना है? काटना है। अभी इन दोनों के दरमियान ये पहली मकदार और दूसरी मकदार में निस्बत मालूम करनी है ना, तो पहले हमने पहली मकदार और दूसरी मकदार के दरमियान निस्बत लगानी है। सवाल में निस्बत नहीं लिखा, लेकिन जब उन्होंने बोला है कि निस्बत मालूम करनी है, तो फिर तो जो है उसने ये भी बोला है कि आसान शक्ल में लिखे, जिधर भी उसने कहा ना आसान शक्ल में लिखना, उसमें उधर हमने काटना हो। एक बार ये करते हैं कि ये 6 × 6 और ये 4 × 4, जवाब आ गया 4 × 4। अब आगे तो नहीं ना करता, आगे तो नहीं ना कर सकता, तो बस यही जवाब आ जाएगा। ये सारे सवाल आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है? अब अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि दर्ज ज़ैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। इसको भी उन्होंने ये बोला आसान शक्ल में, तो जहाँ पे भी आसान शक्ल में कहा हो तो उसका मतलब क्या है? उसको काटना ही होता है। उसको क्या होता है? अब ये देखो सवाल है जी, 2/3 निस्बत 3/4। बटे का मतलब होता है तकसीम। जब दो निस्बतों की जगह तकसीम आ सकती है, तो तकसीम की जगह पे दो निस्बतें भी तो आ ही सकती हैं ना, ठीक है? इस तरह ये इसका जवाब आ गया। अब ये सारे सवाल, अब ये वाला सवाल आपको मैं समझा देती हूँ, ये जिसकी टांगे नहीं है, ठीक है? इसकी एक टांग नहीं ना है, तो ये वाला सवाल मैं आपको के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल करने हैं, ठीक है? देखिए मैं बेटा आपको कितने बेहतरीन अंदाज में जो है वो सवाल समझा रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको पास करवाऊंगी। तो आप भी मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी करिए। शेयर करने का मतलब है कि लोगों को, दूसरों को भी बताया करें कि ये चैनल बाजी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब वीडियो देखने के बाद लाजमी कर दिया करें, और जो घंटी घंटी है ना, घंटी, उस पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दिया करो। पहले घंटी पर क्लिक करो, फिर ऑल पर क्लिक कर दिया करो। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।